वैसे भी तुम्हारा फर्ज बनता है दादी की कब्र पर जाने का। खुद आपको 20 साल बाद ख्याल आया और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सारे फर्ज फौरन अदा कर दूं। आपको पता है सलमान किसी और से प्यार करता है क्या? जी, उसने मुझे खुद बताया है और वो उसी से शादी करेगा, इसलिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम टेंशन तो कम हो गई। और सारा यहाँ पे शादी के फैसले सब मिलकर करते हैं। डैड, समबडी स्टोलन माय रिंग। व्हाट? वो अब्बा जान, मैं सारा की तरफ से माफी मांगता हूँ आपसे। भाई क्या कर रहा है तू? अबे तुझे माफी मांगने की क्या जरूरत है उसकी तरफ से? उसने जो कुछ किया गलत तो नहीं किया? नहीं अब्बा जान, उसको इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। भाई समझ नहीं रहा है तू? हम उसके लिए वैसे ही अजनबी हैं जिस तरह उसके लिए दूसरे लोग अजनबी हैं। बहुत से इस तरह के इल्जाम तभी सहने पड़ेंगे। भाई कोई बात नहीं, उसका कसूर नहीं है। देख, कसूर सारा तेरा है, तेरी मसरूफियत ने रिश्तों के दरमियान इतना फासला पैदा कर दिया है। अभी वक्त लगेगा, करीब आते आते मैं संभाल लूंगा, तू फिक्र न कर, तू सब ठीक हो जाएगा यार, बच्चे हैं। अब्बा जान मुझे माफ कर दे, माफ कर दे अब्बा जान, मैं आप सबका गुनहगार हूँ। मैं कह रही हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अब्बा जान। तू यार एक तो इतने माफ कर दे, परसों के बाद आया है तू, परेशान हो यार, मेरा कलेजा हिल जाता है। अबे झापड़ मारूंगा कस जादू, तू जा आराम कर, जा चल जा 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 जादू, मैं संभालूंगा, जा जा, जा। चल ना यार, जा आराम कर, जाके मैं सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत। सारा, तुम कम से कम ये तो सोच लेती कि तुम क्या बात कर रही हो और किससे बात कर रही हो तुम। मम प्लीज, मुझे इस टॉपिक पर आपसे बात नहीं करनी है। सारा, यहाँ लोग रिश्तों का एहतराम करते हैं, उन पे इल्जाम नहीं लगाते। मॉम, मेरे रॉनी का एक रिश्ता नहीं है। एंड दैट रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, ओके? मोर इंपॉर्टेंट देन योर फादर्स रिस्पेक्ट। तुम यहाँ क्या कर रही हो सारा? तुम्हें तो सबकी चेकिंग करनी थी। जाओ कर लो, किसी को कोई एतराज नहीं। हाँ डैड, मेरी भी तो मजबूरी समझने की कोशिश करें, मैं ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रही हूँ। मम ने उधर रिंग रखी थी, अब नहीं मिल रही तो व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? नहीं मिल रही। सारा पुत्र, किधर है तू? आई नहीं अपनी अंगूठी को लपने के लिए? देख, घर में जितना मेरा और फिजा का जेवर है ना, वो सारा इसमें है, तो सुकून से इत्मीनान से इसकी तलाशी ले ले। है रजिया भाभी, अब इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अंगूठी मिल गई, देखो जरा। या अल्लाह, तेरा लख लख शुक्र है, इज्जत रहेगी हमारी। बेटा कितनी तू उदास थी, देख मिल गई ना, इतना से तेरा मुंह निकल आया था। जी खुश भी हो जाओ, सारे इतने उदास क्यों हैं? देखो कितनी फिक्र है सारा पुत्र को आपकी दी हुई निशानी की। एक हमारा सलमान है, अल्लाह की कसम मैंने उसको घड़ी दी थी, उसने आज तक ना पहनी। चाची, I'm so sorry। हाय, की तू सॉरी सॉरी लाई है? मेरे को कुट ना तू खा ली। सॉरी की इसमें क्या बात है पुत्र, तू इतनी परेशान ना हुआ कर, हैं? देखना अपनी सेहत, देख के बंदे को परेशान होना चाहिए। अच्छा आप सारे लोग जो है ना खुश हो जाए, क्योंकि अब किसी की उदासी मुझे नहीं चाहिए। घर में खुशी का माहौल है, कल मेहंदी है, खुश खुश हमने सारों ने मेहंदी बनानी है, ठीक है पुत्र?
चलो बस अब सो जाओ जल्दी जल्दी, सवेरे जल्दी उठना है, बहुत काम पड़ा है। कफैद भाई जल्दी करें, सो जाए सारे। हाय हाय जेवर तुम्हें अच्छे बोल दे सी। Dad, I'm so sorry. No. No, Sara, कसूर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। Dad. Good night, Sara. भाग इधर से, दूंगा तुझे। इसकी तो मैं क्या कर रही है तू? ए क्या प्रॉब्लम है? तेरी ऊपर की मंजिल खाली है क्या? ये सब कुछ क्या चल रहा है? एक्सरसाइज कर रही हूँ और क्या। ये करने के लिए तुझे यही जगह मिली थी, जाके अपने कमरे में कर। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अबे पूरा मोहल्ला देख रही है तुझे। फिलहाल तो कोई नहीं है, और वैसे भी who cares? देखो मैडम, ये पाकिस्तान है, तुम्हारा अमेरिका नहीं है। आज 2 खड़े थे, कल 200 खड़े होंगे यहाँ पे। ये सब कुछ करना है तो अपने कमरे में करो जाके। मैंने तो उन्हें नहीं बुलाया था ना, अब वो वहाँ खड़े थे तो मैं क्या करूँ? मैं अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ने वाली। अबे यार, इसको समझाना तो बिल्कुल जैसे जैसे ऊँट को रिक्शे में बिठाना। क्या मतलब? अबे कुछ नहीं, तुमको एक्सरसाइज करनी है ना, मैं तुमको कल क्लब ले जाऊंगा, ठीक है? अभी जाओ अपने कमरे में। तो भाई यहाँ तो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। हाँ, जो करना है अंदर अपने कमरे में करो। चलो करती। तेरे पुप्पा को किसके घास छोड़ाती, उनका ख्याल कौन रखता? तो कहाँ है पुप्पा जी? नहीं आए? नहीं भाई, होटल के रंग रोगन का काम हो रहा था, कहने लगे काम खत्म होते आ जाऊंगा। अम्मा ये जकिया दादी का सामान का रखूं? ओहो 2 मिनट सबर कर ले, क्या हो गया तुझे? हैं टांगे टूट रही है तेरी? जाने दे रजिया, क्यों डांट रही है बच्चे को? ये आप लोगों ने इसको सर चढ़ाया हुआ, वरना मैंने तो इसके कस्बर निकाल देते थे। चल जा ना मेरे कमरे में रख सामान जाके। खड़ी क्यों है, आए ना बैठे आप में, आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना के लाती हूं। हाँ हाँ, अभी तक तो सब ठीक है। तुम बताओ, हाउ इज एवरीथिंग एट योर एंड? ऑल गुड। अच्छा वो सामान भिजवा दिया था मैरी की कजिन की तरफ? देखो होपफुली मैं आज सारा के हाथ भिजवा दूंगी, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर रही, कल फिजा की मेहंदी भी है। नो इश्यूज। कैफी खुश है? हाँ खुश भी है और उदास भी। मतलब? I'll email you everything. Okay, I'll wait. कैफी को मेरा हाय बोलना। Sure. Okay, bye. Bye. आप पान मंगवा दूँ और? नहीं मेरे पास है, 1 घंटा हो गया मुझे आए, ये किफायतुला नहीं आया ऊपर से। पापा रात को देर से आया होगा भाई, सो रहा होगा ना, बदल गया है, उसकी अंग्रेजी बीवी ने बदल दिया होगा। अरे नहीं आपा, उसकी बीवी अंग्रेज नहीं है, मुसलमान है। हाँ हाँ वही।
अस्सलाम वालेकुम ज़किया फुफो। वालेकुम अस्सलाम जीता है, खुश है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं ज़किया फुफो? तुम तो मुझसे बात ना करो, कभी पलट के नहीं पूछा कि ज़किया फुफो जिंदा है जो मर गई। अरे ऐसी बात नहीं है ज़किया फुफो, अब्बा जान से आपकी खैरियत मिलती रहती है। भाई नाराज तो मैं तुमसे भी हूँ, तुम ही से याद दिला देती कि इसके अपने इसके लिए तरस रहे। अरे आपा क्या बातें लेकर बैठ गई, छोड़े आप। फिरोदा रजिया देखो एक कप चाय दे दो मुझे। जी जी। मैंने ऐसा कह कह दिया सफरतुल्ला कि तू मुझे घूर रही है और तू इधर आ, मुझे तुझसे बहुत सी बातें करनी है। जी ज़किया फुफो कहिए भाई। बच्चे कैसे हैं तेरे, मुझे नहीं मिलवाएगा? अरे क्यों नहीं मिलवाऊंगा ज़किया फुफो, बड़ी याद आती है आपकी वाकई में, सच पूछे तो। झूठा कहीं। तूने मुझे बुलाया? मुझे तुमसे बात करनी थी। मुझसे? खुदा खैर करे, क्या बात है? मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की थी, उसके लिए आई एम सॉरी। देखो जब से मुझे पता चला है कि तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड है, हम दोनों के बीच में कोई इशू ही नहीं है। तो हम दोनों को लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, नाउ वी कैन बी फ्रेंड्स। ठीक है तुझे सोच के बताऊंगा। ठीक है फिर सोच के बता देना। सोच लिया। ठीक है। Then friends? तो इसका मतलब है तुम मुझे बाहर घुमाने लेके जाओगे ना? तूने इसलिए मुझसे दोस्ती की है? Obviously, देखो घर पे बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। और सुनो अपनी गर्लफ्रेंड शहनाज से भी मिलाना, मैं भी तो देखूं कैसी है। हाँ, मिलाऊंगा ना, क्यों नहीं मिलाऊंगा। अच्छा सुनो मुझे अपनी अम्मी की दोस्त के घर पे कुछ ड्रॉप करना है, मुझे ले चलो ना। ठीक है तू तैयार हो, मैं गाड़ी में पानी डाल देता हूँ। ओके थैंक्स। मसाला तो नहीं चाहिए इसके? नहीं है ठीक है बिल्कुल जी। अल्लाह फिरोजा कमरे में क्या क्या रखा हुआ है, इतनी सारी शीशियां इतनी सारी बोतलें, वहां क्या अमेरिका में मेकअप की दुकान है? मैं तो झाड़ पूंछ करने गई, मेरे हाथ टूट गए। शीशियां उठाओ, शीशियां रखो, शीशियां उठाओ, तोबा तोबा। मेकअप की दुकान है क्या वहाँ? नहीं है, मेरे अपने इस्तेमाल के लिए। रजा भाभी इतना सारा सामान क्यों, क्या पूरे साल का सामान उठा लाई हो? नहीं नहीं कुछ लोशन है, कुछ मेकअप है और परफ्यूम्स भी हैं उसमें। इतना सारा सामान कोई मेरे सामने रखे ना तो मैं तो ये सोच सोच के पूरा साल गुजार दूं कि क्या लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है। ये कैसी बात कर दी आपने मुझे भाभी, खूबसूरत लगना तो हमारा हक है ना, और जब कोई तारीफ करे तो अच्छा लगता है। हाय तारीफों का क्या है, तारीफ तो हो ही जाती है जब कोई फिजा के सलीके की तारीफ करता है, सलमान की फरमा बरदारी की तारीफ करता है, जब अब्बा ही करते हैं मेरी तारीफ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। बस एक वो है ना मेरे रसीदों वाले, उन्होंने कभी ना तारीफ की, कंजूस ना हो तो कहीं। अच्छा मुझे भाभी मुझे शॉपिंग भी करनी है, मेहंदी के कपड़े लेने और शादी के भी, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पे लोग पहनते हैं। ये तो कोई मसला ही नहीं है, अभी मैं जरा खाना पका लूँ उसके बाद मैं लेकर जाती हूँ तुम्हें शॉपिंग के ऊपर। ऐसी शॉपिंग कराऊंगी, ऐसी शॉपिंग कराऊंगी, अमेरिका को भूल जाएगी। ठीक है चल, तो बस फिर जल्दी से उठ जाते हैं। मैं इनको झटपट बना लेना खाना। पर फिरोजा तुझे इतनी सारी शीशियां लगाने में बड़ा टाइम लग जाने, चल जाके मेकअप कर तैयार हो, चल अपने कमरे में जा। जी सलमान भाई। अबे तुझे कब से आवाज देकर रखा, तू आवारा है, ये गाड़ी की चाबी पकड़ और निकल ले। मैं की जाऊँ, मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा। अबे हर वक्त तो तू बड़े अब्बा की गाड़ी की चाबी मांग रहा था, आज तुझे खुद दे रहा तो तू नखरे कर रहा है। सब खैर तो है ना सलमान भाई? अबे तेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, किसी को घुमाने ले जा। मैं वही सोच रहा हूँ, आज इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हो आप? देख वो बात दरअसल ये है कि क्या है बात बताओ। वो
सारा नहीं है सारा, हाँ उसको घुमाने के लिए लेके डाले। अच्छा तो ये सीन है। मैं ये सोचा था कि अगर तेरी बाइक मैं ले जाता और गाड़ी तो ले जाता। अच्छा तो ये सब कुछ भाभी की मोहब्बत में कर रहे हो, भाई की मोहब्बत में नहीं। तो जा मेरे से मार खानी है, चल निकल। गुड गोइंग ब्रो, गुड गोइंग, चलो जाता हूँ। साए में जा नसीब होंगे जकिया पा, अल्लाह की मर्जी भाई। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। वालेकुम सलाम भाई। जकिया दादी बेटी तेरी, सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? अरे कितनी बड़ी हो गई है। कहीं जा रही बेटा? बड़े अब्बा कुछ सामान देना था मामा की फ्रेंड के घर पे, तो सलमान मुझे लेके जा रहा है। सलमान के साथ? अच्छा अच्छा, जाओ जाओ। वो तेरी अंगूठी मिल गई? जी बड़े अब्बा, कल रात के लिए। नहीं नहीं, कुछ बात कोई कोई बात नहीं, जा जा बेटा। ठीक। सलमान को कही हो तुझे शहर घुमा फिरा ला, जब से आई है घर में ही बैठी हुई है, जा। जी बड़े अब्बा, जी खुदा हाफिज। लगता है शफायतुल्ला तेरी नजर कमजोर हो गई है, या तू भी फरंगी हो गया है? अब क्या हो गया आपा? क्या हो गया? हुलिया देखा है उसका? अब इस घर की बहू बेटियां इस हुलिये में बाहर जाएंगी। आप कैसी बातें करती हो, इतनी मुद्दत के बाद आई है पहली दफा बेचारी। आधी तो नहीं ना ढल जाएगी हमारे रंग में, थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करना। जैसी तेरी मर्जी। वैसे एक बात तो बता, तूने सारा और सलमान के बारे में क्या सोचा है, याद है या भूल गया? अरे काहे को भूल गया, याद है मुझे। सलमान की मांग है सारा, शादी भी उसी से होगी। चलो ठीक है, मैं जरा उनको फोन कर लूँ, वरना कहेंगे भाई के घर जाके शोहर को भूल गई। नहीं नहीं, जफर भाई को कही होंगे, रंग रोगन हो गया होटल का, अब आ जाएं। अच्छा ठीक है। बस 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 बस, नहीं तो फिर क्यों रुके हो यहाँ? क्योंकि जिस तरह से तू बैठी उस तरह से हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है फिर तुम पीछे बैठो, मैं बाइक चला लेती हूँ। तू चलाएगी बाइक? देख सीधी तरह से बैठ, मैं तेरे को आगे छोड़ देता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक बैठी हुई थी। ठीक है। अबे जिस तरह पाकिस्तान में लेडीज बाइक पे बैठती है, वो देख वो लेडीज किस तरह बैठ के जा रही है, वैसे बैठना। वैसे नो वे मैं तो गिर जाऊंगी यार, नॉट सिटिंग लाइक। अरे नहीं गिरेगी, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को पकड़ के रखना टाइट, आजा चल ना। देख दोनों टांगे इधर करके बैठ। मतलब दोनों टांगे इधर? हाँ, पाकिस्तान में लेडीज ऐसे ही बैठती हैं। बैठो। प्रॉमिस तुम गिराओगे तो नहीं ना? मेरे को पकड़ लेना टाइट से। चल भाई मुबारक को, बहुत बहुत मिठाई खा ले। अबे किधर गुस्सा जा रहा है, शादी हो रही क्या तेरी, मैं मिठाई खा लूं? अबे चमचम लाया हूँ तेरे लिए, और शादी क्या बात कर दी तूने? अबे मेरी कैसे होगी, तू मान नहीं रही। खैर जिसकी हो रही है ना, उसको देख के अपने को पक्का यकीन हो गया कि अपनी भी हो जाएगी। अब क्या मतलब है? बड़े अब्बा ने ऐलान कर दिया कि फिजा की शादी के साथ सलमान का टांका भी फिट कर देंगे। तू सच कह रहा है ना? देख अगर तू झूठ कह रहा है ना। अबे तेरी जान की कसम झूठ की बोलूंगा, अगर तेरे को शक है सलमान से पूछ ले। देख तू परेशान ना हो, मिठाई खा, मैं तेरे साथ हूँ ना। हाँ तू निकल यहाँ से, चला जा यहाँ से, दफा हो यहाँ से। अबे निकल रहा हूँ, सबर तो कर ले, ये मिठाई तो खा ले, तेरे लिए बड़ी मोहब्बत से लेके आया हूँ। तू ठूस लेना, बल्कि एक काम करना, इसमें जहर मिला लेना ताकि मेरी भी जान छूटे तुझसे। अरे वाह, देख भाई अगर तू अपने प्यारे हाथों से जहर खिलाएगी ना, जवाब वो भी खा लेगा। तू ऐसे नहीं मानेगा ना अम्मा। अबे क्यों अम्मा को बातें दे रही है, सबर कर ले, जा रही हूँ। ये खा लीजिए, बड़ी मोहब्बत से लाया हूँ मैं, खा लेना। हो गया काम? तेरा मूड क्यों ऑफ है, सब सेट है ना? चल अब क्या कर रहे हैं? अब तुम्हें मुझे घुमाने लेके जाना है, प्रॉमिस किया था ना तुमने। चला जा, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ
बर्गर या पिज्जा खिला सकते। अबे अमेरिका जाके इधर भी तू ये बर्गर पिज्जा खाएगी। एक काम करता हूँ, तुझे एक बड़ी स्पेशल चीज खिलाता हूँ, मजा आ जाएगा। मिर्चा खाएगी ना? थोड़ी सी। आजा बैठ, आजा आजा, रेडी सेट है? मेरे को पकड़ टाइट, आराम से। हाँ हाँ पकड़ लिया टाइट। मसाला टाइट है ना? मसाला टाइट। बस 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 सेट है। ये ले, ये तेरा पकड़ ना। गोल गप्पा। गोल व्हाट? गप्पा। अरे तुझे नाम से क्या है, गोल गप्पा कहते हैं। खाना कैसे खाते हैं? देखा, एक अपने हाथ में उठाएगी तू, ठीक है? ये लिया तूने पानी। हाँ? इसमें थोड़ा कर। हाँ ये और, अरे पूरा। क्या हुआ? मिर्ची लग रही है। मिर्ची ठहर जा, ये ले ये ले, पानी भी पानी भी पानी भी। मजा आया। अरे किधर जा रही है? बॉस मैं अभी। अरे सुन, हाय ला, कोई है? जान को तो मालूम का इस्तेमाल करने के लिए कोई खड़ा ही नहीं होया हुआ। हम तो एडी दूर से आए, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए। चल तू आ गई है, फसाद बर्पा हो जाएगा। तो एड्डा वड्डा फसाद तो पहले से मौजूद है, और क्या फसाद बर्पा हो है। हम तो सियालकोट के लोग हैं, बड़े ही पूरा मन है। ये क्या तुम पूरे मोहल्ले का सामान लेकर आई है? सियालकोट से आ रही है कि दुबई से? हाय किड्डी निक्की गल की है तू, तोबा तोबा। असी सियालकोट दे रहन वाले हैं, कदी किसी दे घर खाली हाथ नहीं गए। तुहाडे यार सुगातां लेके आई हैं सूटकेस भर भर के। देख तू मेरी जबान खुलवायो, बता रही हूँ तुझे। तेरा मुंह की बहुत बड़ा जिसे नहीं लगना, हाम खा बोलती रहती है। अम्मा बेबे खाला आ गई है। हाय मेरी रजिया किथे है? बेबे बेबे खाला, हाय अल्लाह बेबे खाला, गले मिलके ठंड पै गई, लगदा सारा सियालकोट मेरे घर आ गए। हाँ बेबे खाले का सामान का रखूं? आ मेरे कमरे ले जा ना। हाँ। बेबे खाला मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। हाँ हाँ बेबे खाला, ये फिरोजा है, कवैद भाई नहीं है, उनकी अमेरिका वाली बीवी। हाँ माँ सच्चे किटी सोनी, अल्लाह तेरे बच्चों बचावे। हाय ये किटी सोनी। खाली सलाम से क्या होगा, कुछ दे भी दो बहू को। तू मुझे अपनी तरह ना समझ, तेरी तरह नहीं हूँ मैं। ये जो तू सामान देख रही है ना, इसमें इतनी सारी सुखातें मैं इन्हीं के लिए लेके आई हूँ, इनको देके जाऊंगी, तुझे नहीं देके जाऊंगी। रजिया तू समझा ले इसको, अपनी सूटकेस की ढोंस न जमावे मुझ पर। हाँ हाय रजिया, मुझे तो जलने की बदबू आ रही है। हाय बड़ी ठंडा पानी बुला, जले मेरी जूती बढ़िया सियाल को मुझे कपड़े। अच्छा अच्छा चलो ना, थोड़ा आराम करने का टाइम है, चलो थके हो गए। It was so much fun, Kefi. रजिया भाभी ने मुझे इतनी सारी शॉपिंग करा दी। ऐसी ऐसी जगह घुमाया मैंने फिरोजा को कि उसने अमेरिका को भूल जाना है। और मजे की बात बताऊं, हर जगह जाके और हर चीज को देख के पता क्या कहती थी? Everything was so beautiful and so cheap. बस कैफी में बहुत शॉपिंग करूंगी। अरे एक दफा नहीं, चार दफा जा फिरोजा। मुझे तो बेचारे किफायत भाई पे तरस आ रहा था। हाय फिरोजा ने तो उनकी जेब ही खाली कर दी। तुमने भी कुछ लाया या नहीं? वो रजिया भाभी है ना यार, उनसे बहस करना बहुत मुश्किल है, और उन्होंने तो जिद पकड़ ली है, सारे मेहंदी और शादी के कपड़ों के पैसे वो ही देंगी। मैंने तो फिरोजा के साथ साथ किफायत भाई, सारा पुत्र, दानियाल और रूफी के लिए भी जोड़े दिलाए हैं। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है फिरोजा, शादियों में ऐसा ही होता है। I'm tired now. I'm gonna sleep. सो जाओ सो जाओ, मैं भी बस सोने ही वाला हूँ।
मैंने तो कह दिया फिरोजा से, फिजा की शादी के बाद हमने फिर घूमने जाना है और हमने फिर से शॉपिंग करनी है, फिर मैं अपने लिए भी बहुत सारी। चलो पता कदों से सुते पे ने, मैं भी बोली जा रही हूँ। करना कराना कुछ नहीं था, थकना है ना तो। क्या हुआ भाई, तू अंगूठियां ले आया जी? कहाँ है वो भाई? सुन, इस वक्त कोई मसला है क्या? बाप, मैं ये कह रहा था, अरे जब तक फिदा के ससुराल वाले आते हैं उस वक्त तक हम सलमान और सारा की मंगनी की रस्म अदा कर देंगे। बाप, मैं ये कह रहा था एक बार किफायत से बात। भाई जितनी बात तुझसे की जाए उस पर अमल किया कर, तू जा, जा अंगूठियां लेकर चल। रुको भाई, रुको। इस खुशी के मौके पर लो भाई, मैं एक और खुशी का ऐलान करता हूं। मैं सलमान और सारा की मंगनी का ऐलान कर रही हूं भाई।
वरना मैं एम्बेसी को फोन कर दूंगी और उनको बता दूंगी कि आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। हम फैसला कर चुके हैं, ये रिश्ता नहीं होगा। पता है मेरी आंखों के सामने जब इसने तुम्हें अंगूठी बनाई थी ना, खुदा की कसम छुरियां चल रही थी दिल पे। अरे हमें खुद किधर पता था, बड़े अब्बा ने तो एकदम से हम पे बम फोड़ दिया था।